हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक दंत एजुकेशन जॉब अलर्ट टुडे वी केम अप विद न्यू वैकेंसी फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आज की जो वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी और नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखिए तो हम टोटल नाइन वैकेंसीज है एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड दी स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल साइंस आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट पे स्केल की बात करें तो सेवंथ पे कमीशन है टोटल सी टी सी ट्वेल्व सिक्सटी थाउजेंड होगा अपार्ट फ्रॉम डैट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नाइन वैकेंसीज है एग्रीकल्चर साइंस में टोटल टू सिविल इंजीनियरिंग थ्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्री एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वन एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिवली बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल टेक्सटाइल के लिए और वैलिड स्कोर कार्ड मैंडेटरी है कि वैलिड आपका ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा इस एप्लीकेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम डैट एग्रीकल्चर साइंस वालों के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड मास्टर डिग्री मैंडेटरी है अपार्ट फ्रॉम दैट वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए आईके आर एंड आई सी जे आर एफ एस आर एफ पी एच डी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओनली सो एज लिमिट थर्टी ईयर्स मैक्सिमम एंड रिलैक्सेशन एज पर एज पर देंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज आगे एप्लीकेशन की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में शॉर्ट लिस्टिंग होगा डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द गेट एंड आईसीआर एंड आफ्टर शार्ट आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली आपका मैरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा फाइनल पैरिट लिस्ट आप कैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको डब्ल्यू पर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन करके अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट ऑफ दी एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो डिटेल में आप नीचे देख सकते हैं कि एनेक्शर्स वन के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस दी गई है जैसे कि सियोरिटी बॉन्ड थ्री ईयर्स का होना चाहिए एंड प्रोबेशन पीरियड विल बी टू ईयर्स सर्विस बेनिफिट्स में कुछ लीव्स मिलेंगे एल टी सी मेडिकल बेनिफिट्स एंड ऑल दैट थिंग्स पोस्टिंग एनी वेयर इन इंडिया एंड करियर परस्पेक्टिव में देखें तो साइंटिस्ट बी कैडरे ऑफिसर्स का पोस्ट रहेगा नेक्स्ट एनेक्शर टू जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रिजर्वेशंस दी गई है कि कैसे कैसे आपको रिजर्वेशन मिले मिलेगा इकोनॉमिकल वीगर सेक्शन ओबीसी एस टी एस सी एंड ऑल डैट थिंग्स नेक्स्ट एनेक्शर्स की बात करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में दी गई है जिसमें आपको करस्पॉन्डिंग डिसिप्लिन uh, के अकॉर्डिंग आपका पेपर गेट में होना चाहिए क्वालिफाइड तभी जाके आप इसमें एलिजिबल रहेंगे नेक्स्ट एनेक्शर्स की बात करें तो एनेक्शर्स फोर में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए सिग्नेचर्स की सिग्ने टोटल साइज़ कितनी होनी चाहिए वो सभी के बारे में मेंशन की गई है फोटोग्राफ इमेज राइट मोर इट शुड नॉट बी मोर देन टू हंड्रेड के बी सिग्नेचर नॉट मोर देन टू हंड्रेड के बी ओके अदर डॉक्यूमेंट्स को भी आपको स्कैन करके अपलोड करना है जिसकी साइज़ एक एम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर एप्लीकेशन में कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो सभी के बारे में आपको बताया गया है कि कैसे आपको करना है कौन से कौन से चीज़ अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करनी है उसमें आएगा फोटोग्राफ सिग्नेचर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट गेट स्कोर कार्ड इसेंशियल डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो भी आपको अपलोड करने होंगे अपार्ट फ्रॉम डैट मार्कशीट्स और हायर क्वालिफिकेशन है तो वो आप सब आपको अपलोड करना होगा अपार्ट फ्रॉम डैट कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी एंड आइडेंटिटी प्रूफ ये सभी चीज़ आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको कुछ जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि क्या क्या होना चाहिए जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया मैंडेटरी है इसके लिए देन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस सी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपका सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डिटेल एडवर्टाइजमेंट में सबसे नीचे साइड पे दिया गया है एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म ए बी सी सभी फॉर्म में दी गई है ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए एंड दिस इज द अपडेट फ्रॉम बी आई एस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एक दंत एनवायरमेंट एजुकेशन फ्रेंड्स एंड किप सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक एनवायरमेंट